बिग बॉस और विवादों का पुराना रिश्ता रहा है, वहीं एक बार फिर बिग बॉस 13 को लेकर सियासी घमासान खड़ा हो गया है। जहां बिग बॉस को लेकर करणी सेना चित्रपट अध्यक्ष सुरजीत सिंह राठौर ने सलमान खान के रियलिटी शो बंद करने की धमकी दी, तो वहीं अब राष्ट्रीय हिंद भक्ति सेना के कार्यकर्ता कन्हैयालाल बागड़ा ने सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस को बंद कराने की धमकी दी है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय हिंद भक्ति सेना के कार्यकर्ता ने कहा कि वे सलमान खान की फिल्म हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चलने नहीं देंगे और इस शो को बंद कराने के लिए वे किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। आप भी देखिए राष्ट्रीय हिंद भक्ति सेना के कार्यकर्ता का सलमान को धमकी देने वाला ये वीडियो। देखिए अगर आगे भी अगर इसको कार्यक्रम को बैन नहीं किया जाता है, ऐसे कार्यक्रमों को बैन नहीं किया जाता है, अश्लीलता ऐसे ही परोसी जाती रहेगी किसी भी, चाहे वो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ बिग बॉस में ही हो, किसी भी कार्यक्रम में अगर ऐसी अश्लीलता परोसी जाएगी या लव जिहाद को बढ़ावा दिया जाएगा, उस कार्यक्रम को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हम नहीं चलने देंगे, चाहे वो सलमान खान की मूवी हो चाहे किसी और एक्टर की मूवी हो। 22 लोगों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है आज इस प्रोटेस्ट। देखिए आज प्रोटेस्ट, इस प्रोटेस्ट हमारा जो प्रोटेस्ट था आज का, इसको लेकर 22 से 23 लोगों को आज गिरफ्तार किया है। हम जब वहां पर पहुंचे उससे पहले हमारे लोगों को, हमारे साथियों को, कई संगठन के लोगों को यहां से उठा लिया गया। क्या हम कोई हंगामा कर रहे थे वहां पर? नहीं, हम हमारी भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे, जो हमारी भावनाएं आहत हो रही थी, हिंदू धर्म की भावनाएं आहत हो रही थी, जो हमारी संस्कृति के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा था उसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे थे। क्या आवाज उठाना एक गुनाह हो गया? अगर ये गुनाह है तो हम कहते हैं कि गुनाह हम बार बार करेंगे। थैंक यू।